हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशली ब्लॉगर आदविक मॉम। कैसे हो आप सब? आज है संडे और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और हम सभी आए हैं खेतों में। ये देखिए बच्चे भी मस्ती करने में लगे हुए हैं। खेतों से हमने अपनी गेहूं काट ली है, खेत हमारे खाली हो चुके हैं, तो अब हम खेतों में बीजेंगे मक्की। तो मक्की बीजने से पहले हम खेतों में लगाएंगे हल और डालेंगे खाद। तो बस वही प्रोसेस चल रहा है खेतों में। यहाँ भाभी काट रही है घास और मम्मी डाल रहे हैं खेतों में खाद। और ये रहा आद्विक मस्ती करते हुए। हम खेतों में हल लगाते हैं ट्रैक्टर के साथ। बहुत पहले हम हल लगाते थे बैलों के साथ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी फास्ट होती गई, वैसे वैसे मार्केट में छोटे छोटे ट्रैक्टर आ गए और पहाड़ी एरिए के गांव के लोगों के लिए भी फैसिलिटी हो गई कि वो भी अपने खेतों में ट्रैक्टर से हल लगा सके। गाँव में अब लोगों ने बैल पालने छोड़ दिए हैं और अब खेतों में हल सभी लोग ट्रैक्टर से ही लगाते हैं। हम भी इस बार अपना ट्रैक्टर लेके आए हैं और उसी के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज फर्स्ट डे है कि कैसे हल लगाया जाए, तो बस वही प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे। आज आपको अपने गांव की एक झलक दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा गांव। हमारा गांव काफ़ी बड़ा है और सीधे हमारे गांव के ऊपर है जंगल, और काफ़ी बड़ा जंगल है। और यहाँ टॉप में बिल्कुल ऊपर जंगल में है माता का मंदिर, नैना माता का मंदिर। अगर मैं कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी आपको। और पहाड़ी के इस तरफ पीछे भी है घर जो हमारे फैमिली मेंबर्स के ही हैं। अगर कभी मैं गई तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये रही हमारी गौशाला, और यहाँ गौशाला के साथ है हमारी छोटी सी क्यारी, उसमें हमने लगाया है प्याज। तो प्याज हमारा कुछ इस तरह से हुआ है अभी। तो चलिए वीडियो का कर देते हैं यहीं पे एंड। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक